हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डुलुगुरुज चैनल। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं नई रेसिपी लेके आया हूँ, नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज बनाता हूँ मैं हॉट एंड सावर चिकन सूप। बहुत सारे लोग बनाते हैं हॉट एंड सावर सूप, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को पता ही होगा सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज हम लेके आए हैं चिकन हॉट एंड सावर सूप। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं, देरी ना करते हुए मैं बनाता हूँ, आप देखिए। तो देखते हैं कैसे बनेगा हमारा चिकन हॉट एंड सावर। तो जी ये पैन ले लिया मैंने, पैन में डालता हूँ ऑयल। ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम होने दे 2 मिनट के लिए। ये नॉन स्टिक पैन है तो जल्दी गरम हो जाएगा। तेल आपका, इसमें डाल दिया मैंने लहसुन, गार्लिक, गार्लिक डाल लें। ये फाइन चॉप गार्लिक है, ये फाइन चॉप अदरक है, जिंजर। अब ऐड कर लिया मैंने जिंजर। अब इसको थोड़ा हल्का सा टॉस होने देंगे, हल्का सा ब्राउन होने देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, ये लंबा लंबा काट रखा मैंने, जूलियन कटिंग भी कहते हैं इसको। हल्का लंबा लंबा काट लें आप घर में अगर बना रहे हैं। इसको भी हल्का टॉस कर लेंगे। जिन जिन को कटिंग सीखनी है वो मेरे को मैसेज ज़रूर करें, मैं अगली बार एक कटिंग की वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे, ये है धनिया की डंठल। धनिया नहीं डालना आपको, धनिया की डंठलें डालनी है, उसमें फ्लेवर ज़्यादा आता है। अब ये ऐड कर लिया मैंने पत्ता गोभी और गाजर, कैबेज और कैरेट। ये है मशरूम, मशरूम ऐड कर लिए। जैसे जैसे आप डालते रहेंगे सामान वैसे वैसे ये पकता भी रहेगा। ये डाल दिया मैंने नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा डालें अपने हिसाब से स्वाद अनुसार। अजीनोमोटो डाल दिया है। आप सामान डालते रहेंगे तब तक ये पक भी जाएगा, तो ज़्यादा इसे पकाएं ना, जब तक आप सामान डालेंगे तब तक ये पक भी जाएगा। अजीनोमोटो डाल दिया है। अब डालेंगे वो वाइट पेपर, वाइट पेपर ऐड कर दिया मैंने ये। आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, हॉट एंड सावर सूप बना रहे हैं चिकन तो आप ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं इसमें। सर्दियों के लिए अगर आपको गर्म चाहिए तो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करें। ये है रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, विनीगर हाफ टेबल टीस्पून, हाफ टी स्पून करें ज़्यादा नहीं। वैसे आप जैसे टेस्ट, अगर खट्टा कम हो रहा है तो आप हल्का ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे सोया सॉस में भी खट्टा होता है, तो इसलिए सोया सॉस को टेस्ट कर लें पहले। हल्का सा फूड कलर भी यूज कर सकते हैं आप इसका, अगर कलर आपको अच्छा लाना है तो हल्का सा फूड कलर यूज करें। ये हो गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो सब्जियाँ गल जाएंगी। और अगर आपको सब्जियाँ ऐड नहीं करनी है तो नहीं भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब हल्का सा चार टेबल स्पून छोटा वाला आपको आरा रोट यूज करना है। आरा रोट का घोल बना लें, जिस हिसाब से आप बना रहे हैं उस हिसाब से, जितना आप बना रहे हैं। मैं 2 बॉल बना रहा हूँ तो 4 चम्मच, और अगर आप 1 बॉल बना रहे हैं तो 2 चम्मच बहुत रहेगा।
अब ऊपर से इसमें डाल देंगे एक अंडा, और अंडे को चलाएं ना, एकदम ना चलाएं, इसको थोड़ा पकने दें, तभी इसमें अच्छा पीसेस आएंगे, नहीं तो ये घुल जाएगा अंडा इसमें। यह देख लीजिए, थोड़ी देर बाद हिलाना है, एकदम नहीं हिलाना, एकदम हिलाएंगे तो अंडा जो है वो घुल जाएगा इसमें, छोटे छोटे पीस दिखेंगे। अगर अंडा आप थोड़ी देर में हिलाएंगे तो अंडे के पीसेस बड़े बड़े दिखेंगे, अच्छा दिखेगा सूप। यह देख लीजिए, सूप रेडी हो गया है। अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ग्रीन चिल्ली यूज कर सकते हैं, और अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप स्किप करें ग्रीन चिल्ली। यह देख लीजिए, मैंने डाल लिया ये बॉल में, रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रहा आपका कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।